क्या मुकेश सहनी के दावे की निकल गई हवा? क्या मल्लाह समाज का मुकेश सहनी को नहीं मिल रहा साथ? क्या भूमिहार पर दाव लगाना पड़ गया भारी? आखिर मल्लाहों के महापंचायत में क्यों छिड़ा महाभारत? एक तरफ वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी अपने आप को मल्लाहों का मसीहा बताते हैं और खुद को सन ऑफ मल्लाह भी कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मल्लाहों के महापंचायत में मुकेश सहनी को लेकर लोगों में भारी नाराजगी दिख रही है। आपको बता दें कि जहां पर ये पंचायत हो रही थी, वहां जैसे ही निषाद समाज के लोगों ने मुकेश सहनी के उम्मीदवार को समर्थन ना करने और किसी दूसरे उम्मीदवार को समर्थन करने की बात कही, वैसे ही मुकेश सहनी के समर्थकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते महापंचायत में महाभारत शुरू हो गया। महाभारत के पीछे की असली वजह क्या है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले एक बार आप इस वीडियो को देखिए कि वहाँ उपस्थित निषाद समाज के लोग मुकेश सहनी को लेकर क्या कह रहे हैं। तो देख लिया आपने इस वीडियो को, अब आपको इस विरोध के पीछे की वजह बताते हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। मुकेश सहनी ने इस बार अपने समाज को छोड़कर भूमिहार पर दाव लगाया है, जबकि निषाद समाज से दो अन्य कैंडिडेट भी मैदान में हैं। निषाद संघर्ष मोर्चा की ओर से केरमा स्टेडियम में इस महापंचायत का आयोजन इसलिए किया गया था कि निषाद समाज के मतदाताओं को एकजुट किया जा सके, ताकि सभी सहमत होकर किसी एक उम्मीदवार को मदद करें। लेकिन जैसे ही निषाद संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सहनी ने मुकेश सहनी के उम्मीदवार को छोड़ किसी अन्य उम्मीदवार को समर्थन देने की बात कही, वैसे ही वीआईपी के समर्थक हंगामा करने लगे। वीआईपी के समर्थकों ने आरोप लगाया कि निषाद संघर्ष मोर्चा के नाम पर निषादों को गुमराह कर उनके वोट की राजनीति की जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि मुकेश सहनी ने कार्यक्रम में हंगामा करवाया है, वो डर गए हैं क्योंकि कुढ़नी के सहनी समाज के लोगों ने उन्हें वोट नहीं देने का निर्णय लिया। दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि मुकेश सहनी भले ही हमारे समाज से हैं, लेकिन उन्होंने कैंडिडेट दूसरे वर्ग से दिया है। ऐसे में निषाद समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि किसे वोट करना है। केदार सहनी, जो पहले मुकेश सहनी की पार्टी से ही जुड़े थे, उन्होंने कहा कि वो हमारे समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। उनके खाने और दिखाने के दांत अलग अलग हैं, वो हमारे समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के आयोजक वीरेंद्र सहनी ने कहा कि मीटिंग को हंगामे की वजह से खत्म करना पड़ा है, लेकिन जल्द ही मुजफ्फरपुर में बैठक कर निर्णय लेंगे कि वोट किसे करना है। बता दें कि कुढ़नी में जेडीयू ने जहां पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता पर एक बार फिर से दाव लगाया है, जबकि वीआईपी ने भूमिहार को साधने के लिए कुढ़नी से चार बार विधायक रहे साधु शरण शाही के पौत्र नीलाभ कुमार पर दाव खेला। और वैसे के पार्टी के भी चुनावी मैदान में है। एआईएमआईएम ने पूर्व जिला पार्षद गुलाम मुर्तजा अंसारी को मैदान में उतारा है। निषाद समाज से निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में है। कुल मिलाकर कुढ़नी का उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता का विश्वास जीतने में कौन कामयाब होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।